तो वेलकम बैक गाइस। तो यहाँ देख सकते हो तो हमारे पास एक RX 200 है। तो RX 200 देख सकते हो, तो यहाँ पे दो दो सिलेंडर है इसके अंदर। तो यहाँ एक देख सकते हो, इधर एक, अभी आपको चालू करके भी दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो, तो मैं अपना अंकल के पास आया था। यहाँ देख सकते हो KB 100 पड़ा हुआ है, तो बहुत ही जबरदस्त चीज है गाइस। तो देख सकते हो, तो अंकल के पास बहुत सारा बाइके है। तो ये देख सकते हो बुलेट भी है यहाँ पे। तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो भी पड़े पड़े सड़ रही है, तो हम इसको ले जाएंगे और रिस्टोरेशन कराएंगे, ठीक है। तो अभी मैं 100 लेने आया हूँ जापान वाला, तो इसको भी दिखाएंगे। घर जाके मैं दिखाने वाला आप लोगों को कैसे क्या होने वाला है। और आपको डबल सिलेंडर वाला RD मैंने RX 100 दिखाता हूँ, डबल सिलेंडर वाला। तो कैसा क्या है ना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ देख सकते हो हमें YZD मिल गई है। तो बहुत ही जबरदस्त बाइक है, तो देख सकते हो। तो अभी रिस्टोर होने के लिए तैयार है, तो अभी प्राइमर इस पे चढ़ा है। तो देख सकते हो गाइस, तो मैं आपको और भी बाइकें दिखाता हूँ। तो यहाँ तो बाइकें आप लोग देख सकते हो गाइस, RX 100। तो बहुत ही जबरदस्त कंडीशन गाइस, तो बाइक देख सकते हो। और इसका इंजन देखो एक बार जस्ट, और ये देख सकते हो ओरिजिनल जापान मॉडल। G2 तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, फाइनली हम इस बाइक को अपने घर लेके आ चुके हैं। और यहाँ देख सकते हो तो ओरिजिनल जापान मॉडल। कल उतना अच्छे से मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो, तो फाइनली अपने घर पे ये बाइक आ चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्या क्या है तो दिखा सकते हैं। तो मीटर देख सकते हो, तो मीटर लाने के समय ही गिर गया था। और यहाँ देख सकते हो तो ओरिजिनल 88 मॉडल की बाइक है। तो देख सकते हो तो बहुत ही जबरदस्त, यहाँ देख सकते हो इंजन वगैरह यामा लिखा हुआ है 98 cc, और मडगार्ड वगैरह सब कुछ इसमें ओरिजिनल लगा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसा कि मैंने ये इंपोर्ट होके आई थी तो सेम टू सेम वैसी बाइक है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया। सिर्फ इसका कंडीशन दोस्तों थोड़ा सा खराब हो गया है। ये देख सकते हो कैरियर वगैरह ये भी ओरिजिनल लगा हुआ है, एग्जॉस्ट वगैरह देख सकते हो, सब कुछ इसमें ओरिजिनल लगा हुआ है। लेकिन ये सब देख सकते हो थोड़ा जंग वगैरह इसमें आया है, वो सब कुछ हम इस पर काम कर देंगे। तो आपको मेन चीज दिखाता हूँ, ये देखो ओरिजिनल मेड इन जापान इसमें भी लिखा भी हुआ है। तो ये ओरिजिनल वाली जो जापान से इम्पोर्ट होकर आती थी वही बाइक है दोस्तों। तो देख सकते हो सीरियल नंबर से भी आपको पता चल जाएगा।
3075, तो देख सकते हो गाइस। और इसमें देख सकते हो कवर भी मेड इन जापान। तो ये वही बाइक है दोस्तों जो इंपोर्ट करके इंडिया लाई गई थी, RX 100। तो देख सकते हो अभी यहाँ पे भी काम चल रहा है, पल्सर 180 भी आई हुई है रिस्टोर के लिए। तो देख सकते हो पूरी एकदम खत्म बाइक थी, इसको भी हम अभी चालू किया है। तो देख सकते हो चालू करने के लिए जुगाड़ भी होना जरूरी है, CDI वगैरह देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों पुरानी बाइक है, मैकेनिक भी फेल हो जाती है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बाइक अभी बनने को है, और भी बहुत सारी बाइक अभी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो बारिश भी आ रही है, फटाफट मैं इसको साइड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों देख सकते हो बाइक यहाँ आ चुकी है और हम इसका काम शुरू करने वाले हैं। सब कुछ इसमें चेंज होने वाला है A to Z, और कलर भी होने वाला है, क्रोम होने वाला है। और टैंक देख सकते हो, टैंक और पैनल इसमें रेड कलर होने वाला है कुछ इस तरीके से। और गाइस देख सकते हो, तो अभी हमारे पास ये भी स्टॉक पे है, ये 100 तो है अभी स्टॉक पे। किसी भाई को अगर लेनी है तो कमेंट करके बताओ, नंबर दिया है, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो देख सकते हो 100 बाइक, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन पे है। एग्जॉस्ट इसका ओरिजिनल दिया हुआ है देख सकते हो, और इसमें भी देख सकते हो सामने का टायर हम लोग बदल रहे हैं इसीलिए इसका व्हील खुला है। और देख सकते हैं सब कुछ इसमें भी ओरिजिनल है, इस पर भी ओरिजिनल है, WB रजिस्टर्ड है दोस्तों। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और अभी इसका काम फटाफट से शुरू कर देते हैं। सामने का मडगार्ड चेंज होने वाला है, पीछे का मडगार्ड चेंज होगा, ये कैरियर चेंज होने वाला है, सीट नया बैठने को है, बोले तो पूरी बाइक एकदम नया बना देंगे गाइस। और इसी नोट पर दोस्तों करते हैं वीडियो क्लोज, और मिलते हैं किसी जबरदस्त वीडियो लेके। और चलिए गाइस चलते हैं।